अच्छा तो तू है, आ जा, आ बैठ 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 बैठ। क्या देख रहा है तू? ये स्कॉच नहीं है, प्योर देसी माल है। हल्की सी चिंगारी से आग पकड़ लेता है। अपने को विदेशी नहीं पचती, सिर्फ देसी माल। तू लेगा क्या? तूने मुझे किसी जरूरी काम से बुलाया था। हे रवि, रवि, अब समझ में आया? चेल्ला को मारकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तेरी रामलीला सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया। अरे तू मुझसे मजाक कर रहा है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, तू क्या बोल रहा है? मेरा मजाक उड़ा रहा है? तूने मेरा नाम सुना है क्या? कालिया, ये वो नाम है जिसे सुनकर सबकी नींद हराम हो जाती है। अब बोल, तू माफी मांग के गांव वापस जाएगा कि नहीं? तेरी ये रामलीला खत्म हो गई हो तो मैं घर जाऊं? अबे ये पागल कर देगा, पागल कर देगा। ए, ए! बहुत मजाक सूझ रहा है तुझे। पी ले बेटा, इससे दर्द का एहसास नहीं होगा। पी ले बेटा, सिगरेट वैसे हानिकारक है लेकिन ये तेरी जिंदगी की आखिरी सिगरेट होगी। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुमने कहा था कि उसका काम तमाम कर दोगे, पर अब क्या हुआ? उसे मारा नहीं जा सकता, कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। ये? अब तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो। क्या हुआ? उससे पंगा मत लेना। बहुत हो गया, उस लड़के का काम तमाम करने के लिए भेजा था, इसी का काम हो गया। क्या कोई उसे मार नहीं सकता? ज्यादा कमीना। उस कमीने की मौत सिर्फ मेरे ही हाथों लिखी है, अब वो नहीं बचेगा। अरे भोला कहाँ है तू? स्टेशन आया हुआ हूँ। अरे भाभी आई क्या? ट्रेन हमेशा की तरह आधा घंटा लेट है यार। ठीक है जल्दी आ जा। Oh,
बोल बोला, शांति आ गई? रवि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ए, क्या हुआ रवि? भोला शांति को लेने स्टेशन गया। वो सुबह ही गया था। तुझे क्या लगता है, तुझ जैसे कल के लौंडे मिलकर विनाश राव को यानी मुझे बर्बाद करने की ताकत रखते हैं? ओह, दम घुट रहा है। लंबी सांस ले बेटा, क्योंकि इसके बाद तू चाहकर भी नहीं ले पाएगा। ए, पागल हो गया क्या? ये ऐसे ही नहीं हंस रहा है, इसे इस बात की खुशी है कि ये अपने दोस्त की खातिर मर रहा है। मैं मर गया तो मेरे पीछे रोने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन तुम मरो तो तेरे पीछे कुत्ता तक नहीं रोएगा। भाई, ए, चुप कर। ए, चुप कर। ये लौंडा सही कह रहा है, ये अपने दोस्त के लिए मर रहा है। क्या तू मेरे लिए जान दे सकता है? दे सकता है? बोल। अरे भोला तू है कहाँ? विनाश राव, पहचाना ना? जो लड़का गांव में चैन से जी रहा था उसे तूने यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की, एक बलि का बकरा बना दिया। रवि, इस कमीने को छोड़ रहा हूँ। सुनाई दिया तुझे? उसे छोड़ दे विनाश राव, अगर भोला को कुछ हो गया ना। तू चिंता मत कर रवि, मैं तेरे दोस्त को जल्द ही तेरे पास भेजने वाला हूँ। भोला को अकेले स्टेशन क्यों जाने दिया? भोला कहाँ है? अरे रहने दीजिए। नमस्ते रवि। ट्रेन 15 मिनट लेट क्या हो गई? मुझे छोड़ के चला गया, रुक नहीं सकता था? वो है कहाँ? आज तो उसे मैं बहुत डांटने वाली हूँ। अपनी बीवी को छोड़ के कोई इस तरह जाता है क्या? शादी के पहले तो मेरे पीछे पीछे घुमा करता था। जानते हो मुझे यहाँ तक पहुँचने में कितनी तकलीफ हुई? बॉक्स इस तरीके से बीच रास्ते में छोड़ के क्यों चले गए? भैया बॉक्स में से खून आ रहा है। भैया देखो तो बॉक्स में से खून आ रहा है। नहीं रुक जा यार, छोड़ मुझे। मत जाओ चांदी। पार्सल सही सलामत मिल गया ना? तू सोच रहा होगा तूने मुझसे आखिर पंगा क्यों लिया? आज बहुत दिन बाद मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। कल से मैं वही पुराना विनाश राव बन जाऊंगा। तुझसे बात करने का टाइम नहीं होगा मेरे पास। 9 से 9 बजे तक एकदम बिजी। कोई भी नहीं बच पाएगा विनाश राव से। हेलो। अब तक सो रहा है कुत्ते, मेरे दोस्त भोला को मारने के बाद तू चैन से कैसे सो सकता है? तू दिन में 9 से 9 बिजी रहना चाहता था ना? तेरा पहला प्रोग्राम बताऊं? तेरी ज्वेलरी शॉप में आग लगी है, इससे पहले कि वो जल के राख हो जाए चाके उससे बचा। अरे, 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 अरे,
भाई पता नहीं आग कैसे लग गई। भाई सोना चांदी पिघल के मिट्टी में मिल गए ना, वहां खड़े खड़े वक्त बर्बाद मत कर, अपने अगले प्रोग्राम में जा। चिटफंड सिक्योरिटी पैसे हवा में पूर हो गए, अब जा अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी। पूरा ढह गया या फिर थोड़ा बाकी बचा है? अच्छा है हराम के पैसे से बनाई गई बिल्डिंग गई। वैसे अभी तेरा 9 से 9 का प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। अब बारी है तेरे आखिरी प्रोग्राम की। मेरा दोस्त नहीं रहा वैसे ही तेरा बेटा भी आज नहीं बचेगा, बचा सकता है तो बचा ले। स्वीटी कैच। कहिए। उस कमीने ने तबाही मचा रखी है। किसने? उसी रवि ने। वो कह रहा था कि अब तेरी जान लेगा, तू जहां भी है जल्दी घर आ जा। गाड़ी निकल। हे जाओ तुम लोग। क्या हो गया भाई, आप पूल में कितना मजा कर रहे थे। उस कमीने की वजह से मेरे दिमाग का दही हो गया है। बाबा ने फोन करके मुझे जल्दी घर आने के लिए कहा, चल जल्दी। भाई आप स्विमिंग बहुत मस्त करते हैं। ए, स्विमिंग कौन कर रहा था बे? मैं तो लड़कियों के साथ ऐश कर रहा था। वैसे भी स्विमिंग आती किसे है? भाई सच में स्विमिंग नहीं आती? अबे फेरा है क्या, सुनाई नहीं देता, चल गाड़ी चला। अगर मैं तुझे समंदर में फेंक दूं तो? का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। क्यों विनाश राव? तूने तेरे बेटे को गुंडागर्दी सिखाई, भाईगिरी सिखाई, मारामारी सिखाई, लेकिन तू उसे स्विमिंग सिखाना भूल गया। अच्छा नहीं किया, इसलिए बेचारा खुद सीख रहा है ब्रिज के नीचे गहरे पानी में अकेला। अब क्रेन लेके आ और उसे गाड़ी समेत बाहर निकाल। देखा उसने क्या हाल किया चला था? उसने किसने? उसी रवि ने। उसने थोड़ा ही कुछ किया है, ड्रंक एंड ड्राइव, ज्यादा पी ली थी इसलिए गाड़ी सीधे ब्रिज से टकराई और वहां से नीचे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यही आया है। मुझे लगता है तूने पार्टी बदल ली है। गलत, अब मैंने सच का रास्ता चुना है, अब मैं एक असली पुलिस वाला बन गया हूं। जानता है किससे बात कर रहा है? किससे? तुम कोई मिनिस्टर हो जिसे मैं सैल्यूट करूं और आंखें झुकाकर बात करूं? तुम तो एक चाय वाले हो। डीसीपी कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब वो कल ही आएंगे, आज तो मैं ही यहाँ पर सब कुछ हूँ। हे, यहाँ एक गुंडा मरा है, फालतू की भीड़ मत करो, 5 लोगों को रहने दो, बाकियों को दफा करो यहाँ से। मैं सर, तुम कोई मिनिस्टर हो जिसे मैं सैल्यूट करूँ और आंखें झुकाकर बात करूँ?